बात अगर सैलरी बढ़ने की हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। ऐसी ही मुस्कुराहट जल्द ही आपको केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार आज इसको अमली जामा पहना सकती है। बताया जा रहा है कि आज होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में फिटमेंट फैक्टर के फैसले पर मुहर लग सकती है। कर्मचारी यूनियन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रही थी। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसे फिलहाल 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सभी भत्तों को जोड़कर 46,260 रुपए सैलरी मिल रही है, और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 होता है तो उसकी बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी, यानी उसे कुल 46,260 रुपए सैलरी की जगह 95,680 रुपए सैलरी मिलेगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक में 7,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। क्लास एक के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपए था। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी एक बार फिर से केंद्र सरकार से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की आस लगाए बैठे। यही वजह है कि सभी कर्मचारियों की नजरें आज होने वाले मोदी कैबिनेट पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।